आप अपने एडेनियम को शेड में रख दें ताकि किसी किस्म का बारिश का इसमें असर ना हो, क्योंकि आजकल बादल भी हो रहे हैं और किसी टाइम भी जनवरी में अक्सर बारिश होती है। तो जनवरी में जब बारिश होती है तो अगर वो पानी एडेनियम तक पहुंच जाएगा तो 100% एडेनियम गल जाएगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, दिसंबर की आज 31 तारीख है और कल से जनवरी शुरू हो जाएगी और मौसम हमारे यहाँ आजकल 3-4 दिन से बिल्कुल सूरज नहीं निकल रहा है और मुस्तकिल कोहरा पड़ रहा है और रात को ओस पड़ती है और पाला पड़ता है। तो ऐसे में एडेनियम जो है बहुत ज़्यादा खतरे में है कि ऐसे मौसम में ही एडेनियम ज़्यादातर रूट जो हैं वो गल जाते हैं और एडेनियम खराब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर मरने का एडेनियम का जो सर्दियों में नुकसानदेह मौसम होता है वो ये मौसम होता है। तो ऐसे में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और सूरज बिल्कुल नहीं निकलता है तो उस बेस पे एडेनियम जो है वो गलने लगते हैं और अगर इनके अंदर ज़रा भी नमी पहुंच जाए ओस की या पाले की तो वहीं पर से ये टिप्स के अंदर पाला भर जा तो वहीं से ये गलने लगते हैं और गलते गलते ये टिप से होते हुए यहाँ से और ये ब्रांच से होते हुए और ये नीचे तक जड़ों तक पहुंच जाते हैं। अगर आपने पानी नहीं भी डाला है इसमें तो तब भी ये ऊपर से गलना शुरू कर देते हैं, टिप्स के ऊपर से ब्रांच के थ्रू होते हुए और नीचे इनकी गलन पहुंच जाती है। अगर आपने पानी डाल दिया तो इस टाइम पे 100% एडेनियम गल जाएगा, क्योंकि इस मौसम जब तक ये मौसम रहता है कि सूरज नहीं निकल गया है तो जब तक आप पानी बिल्कुल नहीं इसमें देंगे, चाहे आपका एक महीना पूरा क्यों ना हो जाए, यानी अगर एक महीने तक सूरज नहीं निकलेगा तो एडेनियम को बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी तो ये इस टाइम पे जो हवा में मॉइस्चर होता है उससे ही ये पानी ले लेते हैं। इतना ही पानी इनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है और वो पानी ही इनसे ये जी लेते हैं, नहीं तो ये अपने कोटे से पानी ले लेते हैं। लेकिन अगर ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो इनके गलने के चांस जो है वो 100% बन जाते हैं और उस वजह से एडेनियम में आजकल पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और दूसरे इनको इस मौसम में आप अगर आपके पास शेड के लिए जगह है तो उठा के आप अपने एडेनियम को शेड में रख दें ताकि किसी किस्म का बारिश का इसमें असर ना हो, क्योंकि आजकल बादल भी हो रहे हैं और किसी टाइम भी जनवरी में अक्सर बारिश होती है। तो जनवरी में जब बारिश होती है तो अगर वो पानी एडेनियम तक पहुंच जाएगा तो 100% एडेनियम गल जाएगा। तो ऐसे में आप हरारत में एडेनियम उठा के आप शेड में रख दें ताकि इनके ऊपर किसी किस्म का बारिश का नुकसान ना हो। इस टाइम पे ज़्यादातर आपने बारिश से बचाना है एडेनियम को, और अगर आपने खुले में ही रखने की ज़रूरत है आपको कि आप अगर खुले में ही रखना चाहते हैं तो इनको किसी ऐसी पिन्नी से ढकें ताकि अगर बारिश भी पड़े तो आप के एडेनियम को नुकसान ना पहुंचे, आपकी सॉइल के अंदर या एडेनियम के ऊपर लीफ्स पे किसी किस्म का पानी का असर ना हो। तो किसी पोलोथीन वगैरह से इनको अच्छी तरीके से ढक दें और इतनी बस छोड़ें कि हल्की सी हवा उसके अंदर जाती रहे, यानी या उसके अंदर साइड से छेद वगैरह कर दें तो भी वो उसके अंदर हवा जो है बाहर की जाती रहेगी और आप बाहर रख के भी इस तरीके से सेव कर सकते हैं। एडेनियम के ऊपर आप पोलोथीन चढ़ा दीजिए, अगर शेड की जगह है तो आप शेड में रखें, और हमारे पास तो जगह है रखने की तो हम ये सारे एडेनियम उठा के और अंदर जो है वो रख देंगे सारे उठा के इस तरीके से। ये देखिए ऐसे लाके हम ममटी की जगह है हमारे पास, वहाँ हम ये सारे एडेनियम अपने रखेंगे और ये पहले से भी रखे हुए हैं, यहाँ 2-3 तो मैंने रख दिए हैं ये, और बाकी सारे उठा के अभी सब शेड के अंदर रख देंगे। और एक तरीका और है, ये देखिए राख है दोस्तों, ये राख लेके आप अपने एडेनियम के ऊपर इस तरीके से जो राख है वो अपने एडेनियम के ऊपर ऐसे बुरक दें, ऊपर से इस तरीके से आप सबके ऊपर बुरक दें अच्छी तरीके से कि जो अगर ओस वगैरह पड़े या पाला पड़े तो इन पे किसी किस्म का असर ना हो। सारे एडेनियम के ऊपर आप इस तरीके से राख को छिड़क दें तो ये राख भी
अडेनियम को काफी रोकेगी गलने से, जो कि अगर ओस गिरेगी तो वो इसके राख उसको अब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर और अडेनियम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरीके से हम सारे अडेनियम उठा के अपने अभी सब शेड में रख देंगे और इनको राख को भी इनके ऊपर छिड़क देंगे, सेफ्टी मिल जाए। बस मुश्किल से 15-20 दिन की बात और है और 15-20 दिन में हो सकता है कि धूप में तेज़ी हो जाए और अडेनियम जो है वो ग्रोथ करने लगे, क्योंकि धूप में तेज़ी कम से कम आधा घंटा बढ़ जाएगी 20-25 दिन के बाद। और एक काम और करना है आपने, अब फंगीसाइड पाउडर भी इसके अंदर आप डाल दें, ऊपर से ऐसी छिड़क दें साइड में गमले के अंदर, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर राख मैंने डाल दी है, तो राख ना हो तो आप फंगीसाइड भी डाल सकते हैं। फंगीसाइड भी इस तरीके से ऊपर से भी डाल सकते हैं और इसके चारों साइड गमले में भी डाल दें, ताकि किसी किस्म का असर गलन का ना हो इसके अंदर। तो एक फंगीसाइड भी डाल सकते हैं आप, हल्दी भी छिड़क सकते हैं, हल्दी अगर आपके पास है तो हल्दी डाल दें और फंगीसाइड है तो फंगीसाइड डाल दें, और नहीं तो राख बहुत अच्छा काम करती है। राख से एक तो पोटाशियम होती राख के अंदर है, तो जैसे कि आपके गर्मी शुरू होगी और गर्मी शुरू होते ही जब फुटाव शुरू होगा तो इसके अंदर वर्ड्स लाने में भी राख जो है बहुत ही सहायता करेगी, तो क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की मात्रा अधिक होती है, तो राख बहुत बेहतरीन रहती है अडेनियम को इस टाइम पे भुरकने के लिए। और जो भी ओस वगैरह गिरेगी वो इसके अंदर राख के ऊपर गिरेगी तो राख अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी। तो दोस्तों यही चंद दिन है, 20-25 दिन मुश्किल से, ताकि जिससे हमारे अडेनियम जो है इनकी हमने केयर करनी है और बाकी के जो है वो फौरन जो ग्रोथ शुरू हो जाएगी उसके बाद में कोई खतरा नहीं रहेगा। क्योंकि नर्सरी वाले तो इस टाइम पे अडेनियम को निकाल कर गमले से निकाल लेते हैं और वो एक जगह इकट्ठा करके और किसी शेड के अंदर सारे जमा कर देते हैं, क्योंकि उनके पास तो तादाद बहुत होती है, किसी के पास 1000 अडेनियम है, किसी के पास 500 है, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उन अडेनियम को निकाल लेते हैं गमले से और निकाल के एक जगह इकट्ठा कर देते हैं शेड के अंदर, तो वहाँ उनके सेफ रहेंगे पूरी जनवरी, वो उनके अडेनियम जो है वो गमले से निकाल के उनको इकट्ठा एक जगह रख देते हैं। तो उनको इस चीज़ का पता होता है कि जैसे मौसम ख़राब होता है, सूरज निकलना बंद कर देता है और कोहरा और ओस बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, तो उस पीरियड में नर्सरी वाले ज़्यादातर अपने अडेनियम को निकाल लेते हैं गमलों से, और गमलों से निकाल के या तो वो हवा में लटका देते हैं नहीं तो इकट्ठा करके एक जगह, हमने ज़्यादातर नर्सरियों में देखा है कि एक ही जगह वो सारे अडेनियम अपने जमा कर देते हैं, तो उनका अडेनियम रखा रहता है। हम अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि दोबारा हमें रिपोर्ट ना करना पड़े और इसी तरीके से हमारे अडेनियम जो हैं वो सेफ रहें। और मैं गमले की ही मैं उठा के अपने शेड के अंदर रख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, और मुश्किल से 20-25 दिन हमने इंतज़ार करना है, उसके बाद में जैसे कि धूप में तेज़ी आ जाए उठा के फिर बाहर धूप में रख दें, और जैसे ही जनवरी ख़त्म हो, जनवरी का आखिरी हफ्ता लगे, तो आप फौरन इसके लिए खादे वगैरह स्टॉक कर लें आप और ला सकते हैं, ला कर रख लें और फरवरी के पहले हफ्ते से ही शुरू कर दें इसकी रिपोर्टिंग। जिन लोगों ने रिपोर्ट करने हैं तो वो रिपोर्ट कर दें, और नहीं तो जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करने हैं वो गमले का इतना हिस्सा से सॉइल निकाल के और उसके अंदर जो खाद आपने डालनी है, काउडन लेना है तो काउडन के अंदर भी सारी खादें मिला सकते हैं, बोन मील वगैरह दे दें, नीम खली दे दें, और NPK भी डाल सकते हैं आप, 19-19-19 डाल दें चाहें, और चाहें 0-52-34 डाल दें। अगर फ्लोरिंग जल्दी चाहिए है तो
तो 052334 जब डालेंगे यानी फरवरी के पहले हफ्ते में इनको अच्छा खाद पानी दे के तैयार कर दीजिए, पहले हफ्ते से ही इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी फ्लावरिंग की और इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो एडेनियम की ग्रोथ शुरू हो जाए तो आप पानी वगैरह भी दे सकते हैं, और पानी में जब पहले बार आप पानी दें इसके अंदर तो फंगीसाइड ज़रूर मिला लें, खाद वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं जैसे कि NPK 052334 पहली बार मिला के, और ये फरवरी के पहले हफ्ते में करना है आपने, इसको छोड़ देना है बिल्कुल, फिर उसके बाद में पानी जब ही दें जब वो आपकी सॉइल सूख जाए, तो क्योंकि फरवरी के भी 15-20 फरवरी तक अच्छी खासी ठंड रहती है रात की, दिन को तो बहुत तेज़ी धूप में आ जाती है और पौधा ग्रोथ भी शुरू कर देता है, लेकिन रात को ठंड पड़ती रहती है, इसलिए फंगीसाइड का डालना भी उस टाइम पे भी ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।